ओप्पो, वीवो, शाओमी, एमआई, रेडमी, पोको, वन प्लस, गूगल पिक्सल, आईफोन और इतने न जाने कितनी कंपनियों के स्मार्टफोन जो हैं अगले महीने यानी अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं। तो इन सारे फोनों के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो। फोन में तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फोन्स के बारे में। जैसा कि पिछले महीने से हमने ये सीरीज शुरू की थी और आप लोगों के प्यार के साथ हम जो है आगे बढ़ते हुए इस सीरीज का दूसरा एपिसोड। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फोन आपके लिए सही होने वाला है। काफी ज्यादा लोगों के मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा फोन अभी लेना चाहिए, अभी फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और सभी फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहला जो कन्फर्म है वो फोन हमारे पास निकल के आता है वन प्लस 8T। वन प्लस की तरफ से 8T स्मार्टफोन जो है ये लॉन्च होने जा रहा है। इसके कुछ कॉन्फिग्रेशन के बारे में बात कर लें, डेफिनेटली एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर यदि प्रोसेसर की बात करें तो हमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल पाती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। सुपर एमोलेडी स्क्रीन, जो ये आपको आवाज सुनाई दे रही है पीछे से, इन्हें इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एक छोटा शैतान यहाँ पे बहुत बदमाशियां मचा रहा है। और इसके अलावा भी बात करें, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा हमें मिलने वाला है। 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें मिल जाती है 65 वोट के फास्ट चार्जिंग के साथ और ये लॉन्च होने जा रहा है 14 अक्टूबर को। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरा स्मार्टफोन निकल के आता है, वन प्लस की बात हो गई, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे फोन निकल के आता है। भैया इतने सारे फोन लॉन्च करता है ना जिसकी हद नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ रियलमी के बारे में। रियलमी की तरफ से एक जो है फ्लैगशिप स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है, रियलमी X3 Pro, और ये हमें मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसके यदि प्रोसेसर वगैरह की हम थोड़ा सा बात करें तो शायद तक हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, सुपर एमओएलईडी डिस्प्ले के साथ, और इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें मिल पाएगा। 4000 mAh की बैटरी और 65 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आने वाला है और ये मिड ऑफ अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, दूसरा फोन हमारे पास निकल के आता है रियलमी की तरफ से ही, रियलमी का 7i। ये जो है थोड़ा सा मतलब कि मिड रेंज या फिर एक बजट फोन हम इसे कह सकते हैं, वो होने वाला है। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 1900 रिफ्रेश रेट के साथ है, इसकी HD प्लस स्क्रीन हमें मिल पाएगी, 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ, 5000 mAh की बैटरी, और ये भी मिड ऑफ अक्टूबर में लॉन्च होगा क्योंकि दीपावली का सीजन आ रहा है तो काफी ज्यादा फोन जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं इस महीने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगले, यदि बात चल रही है तो बता दें कि अगला फोन जो हमारे पास निकल गया था शाओमी की तरफ से, MI ब्रांड की जो है, रेडमी का MI ब्रांड उसके, तो इसके अंदर जो है MI 10T सीरीज जो है हमें वो इस महीने में देखने को मिल सकती है अक्टूबर में। इसके अंदर यदि बात करें तो हमें जो है दो होंगे इसके, MI 10T Pro और MI 10T, तो इसके दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो MI 10T है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा और जो प्रो वर्जन होगा इसके साथ स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। 5G की इनेबल ये फोन हमारे लिए होने वाला है। इसके अंदर सुपर एमोलेडी स्क्रीन मिल जाएगी, 64 मेगापिक्सल का जो है हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल पाएगा प्रो के अंदर, और जो इसका प्रो वर्जन नहीं है उसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा और ये अक्टूबर एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो MI की बात हो रही है तो MI की जो जिसका सभी वेट करें, MI Note 10 सीरीज जो भी हमें जल्दी देखने को मिलेगी और इसके अंदर शायद तक हमें डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और ये चाइना में लॉन्च होने जा रही है तो पता नहीं इंडिया के अंदर कब तक आएगी। मे बी ये जो है अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट तक इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा यदि बात करें तो हम बात कर लेते हैं सफेद हाथी एप्पल के बारे में। तो एप्पल के भी जो है एक पूरी सीरीज नई लॉन्च होने जा रही है जिसके अंदर चार फोन हमें देखने को मिलेंगे, आईफोन
12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, जिसके अंदर बायोनिक A14 चिपसेट हमें देखने को मिल सकता है और 5G और 4G वेरिएंट इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया जो काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात करते हैं सेल्फी के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वीवो के बारे में। तो वीवो के भी हमें जो है वीवो V20 और V20 प्रो दो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर जो है हमें स्नैपड्रैगन 765G और स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है। मतलब कि वीवो जो है वो प्रोसेसर के ऊपर कती काम नहीं कर रहा है, बस काम कर रहा है सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा। तो 1900 रिफ्रेश रेट के साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल पाएगा। यदि फ्रंट की बात करें तो हमें जो है प्रो वर्जन के अंदर 48 मेगापिक्सल के 2 सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकते हैं, और जो इसका V20 स्मार्टफोन होने वाला है उसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और ये अक्टूबर एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो अगला जो इसका भाई निकल के आता है, जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ओप्पो की। ओप्पो की सीरीज भी सेम रहती है, ओप्पो की F21 सीरीज जो है वो हमें देखने को मिल सकती है अक्टूबर एंड तक। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ सामने नहीं आए, लेकिन डिवाइस काफी स्लिम और स्लीक होने वाला है। इसके अंदर भी क्वाड रियर कैमरा वगैरह हमें देखने को मिलेगा, और मे बी इसके अंदर जो है हमें 64 मेगापिक्सल का रियर क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, मे बी, नॉट श्योर। ज्यादातर चांसेस हैं कि इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा ही हमें देखने को मिल पाएगा, और ये अक्टूबर एंड तक लॉन्च होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो एक जिस फोन की हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, Asus Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro, ये ताइवान में लॉन्च हो चुका है, और मे भी जो हमें इंडिया में भी अक्टूबर में देखने को मिल जाए क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। और इसके अंदर हमें जो है यदि प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 और 865 प्लस प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दो फोन है 7 और 7 Pro। और इसके अंदर डिस्प्ले हमें जो है 1900 की सुपर AMOLED स्क्रीन, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 30 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये अक्टूबर एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यदि और हम बात करें तो हमारे पास जो है अगला फोन निकल के आता है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 4 जो है हमें वो इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। नहीं, 4 तो श्योर है कि हमें मिलेगा, मे बी गूगल पिक्सल 5 हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर नवंबर के अंदर देखने को मिल जाए। और इसके अंदर जो है हमें स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 5.8 इंच के OLED स्क्रीन हमें देखने को मिल पाएगी, 12 मेगापिक्सल का जो है हमें यहाँ पे कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि बात करें हमारे पास और फोन जो है कि निकल के आता है इन्फिनिक्स की तरफ से भी हमें स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर इन्फिनिक्स होट 10 और इन्फिनिक्स नोट 8 जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल पाए। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कन्फर्म कर लेता हूँ। इन्फिनिक्स नोट 8 और इन्फिनिक्स होट 10, ये दो स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं एंड ऑफ अक्टूबर तक। और इसके अलावा यदि हम और स्मार्टफोन की बात करें तो सैमसंग की एफ सीरीज के भी स्मार्टफोन हमें F41 देखने को मिल सकता है अक्टूबर में, और हो सकता है एफ सीरीज के अंदर हमें कुछ और अलग से फोन भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। और हाँ, जो मेड इन इंडिया ब्रांड जिसके बारे में हम बात करते हैं, माइक्रोमैक्स जो है वो भी इस महीने कुछ स्मार्टफोन लेके आ सकता है, मैं भी दो स्मार्टफोन लेके आने वाला है। हाँ, दो स्मार्टफोन कन्फर्म ही वो फेस्टिवल सीजन के ऊपर लेके आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या अभी स्मार्टफोन खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। जैसे कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अभी जो है बहुत ज़्यादा धांधली मची हुई है, क्योंकि दीपावली है, सब लोगों को फ़ोन खरीदने हैं, सब लोग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी यदि आप स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं तो मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही जियो 5G लेके आता है तो 5G का बैंड जो है वो अनाउंस हो जाता है कि कौन से बैंड के ऊपर 5G यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके बाद में है जो हर मतलब कि 15,000 रुपये से रेंज के ऊपर के फ़ोन के अंदर हमें 5G मिल पाएगा। तो यदि हमें एक या दो महीने रुक के मतलब कि उसी रेंज के अंदर 5G भी साथ में मिल पाता है, तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप वेट कीजिएगा, और इन सारे फ़ोनों के अंदर से आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कौन से नए स्मार्टफोन आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो लाइक द वीडियो।